अलैकुम जनाब, आज का पैगाम ये है कि हम जो परेशान होते हैं, जो आजकल अक्सर लोग टेंशन का शिकार हैं, मुख्तलिफ मसाइल का ज़हनी दवाइयाँ खाते हैं, तो उनके लिए पैगाम है कि हमने असल में अपने औकात से ज़्यादा सोचते हैं। माजरत, ये लफ्ज़ ज़रा मैंने चुनाव अच्छा नहीं कर सका हूँ, माजरत। मेरा कहने का मकसद है कि हमारे जो बस में है ना, इस दुनिया में, इस निज़ाम हस्ती में, अपने ज़िंदगी के बारे में सिर्फ 20% है, 20% जो हमारे काम है ना, वो हमारी बसात में है, बाकी 80% रब ज़ुलजलाल के हाथ में है। जो होना होता है, जो करना होता है, उस रब ने करना होता है। 80% मामलात में अल्लाह ताला का अमल दखल, और सिर्फ 20% है हमारे अमल दखल के मोहताज होते हैं। तो अगर हम उस 20% के लिए इतनी फिक्रें करते हैं, टेंशनें करते हैं, हम भूल जाते हैं कि 80% तो अल्लाह ने करना है। असल में हम 80% में वो दखल अंदाजी करने की कोशिश करते हैं। हर काम हो जाता है, थोड़ी देर के बाद होता है, जो उसका वक्त है रब्बे ज़ुलजलाल ने उसके लिए जो मुंतखब किया हुआ है, वो उसी वक्त पर ही होगा ना। तो हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और जो हो रहा है उसको होने दें। हम इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, हमारे फ़ायदे में हर काम होता है। हमने ज़िंदगी में अक्सर ये नोट किया होगा कि कुछ अरसे के बाद जो काम होता है ना, हमारा बेशक नुकसान भी होता है, तो कुछ अरसे के बाद हमें उसके समरात का पता चलता है, उसकी हिकमत का पता चलता है कि इसमें हमारे लिए कितना फ़ायदा था। ये हमारा रिश्ता नहीं हो सका, ये हमारी नौकरी नहीं लग सकी, या ये हमारा लॉस हो गया है, तो कुछ अरसे के बाद में पता चलता है कि इसमें तो असल में ये हो जाता तो हमारा नुकसान था। क्या मेरी बात ये आप मुतफिक करते हैं इस मेरी बात से? तो ज़रूर मुझे इसका जवाब दें, कमेंट्स करें, और अगर सुजेशन हो तो उसके बारे में मुझे मेरी जो है ना राय में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए उसमें मेरी मदद करें।